नमस्कार, देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में मैं हूं आपके साथ लीना। बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं खबरों की सुर्खियां। अटल विकास यात्रा को शाह ने दिखाई हरी झंडी, डॉक्टर अमन और सरकार की थपथपाई पीठ। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक, करदाता विस्तार अभियान शुरू करने दिया निर्देश। राजभवन में हुआ शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, स्मृति पुरस्कार से नवाजे गए प्रदेश के शिक्षक। और 11 जिलों में अब डायल होगा 112, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया लोकार्पण। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अटल विकास यात्रा की शुरुआत करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। यहां उन्होंने विकास यात्रा की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कामकाजों को सराहा। वहीं उन्होंने इस साल होने वाले चुनाव में भी भाजपा की जीत का दावा किया है। अटल विकास यात्रा की शुरुआत करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बम्लेश्वरी की पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर शाह ने आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की खूब तारीफ की, साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के कामकाजों को भी सराहा। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया है, तो उस छत्तीसगढ़ को रमन सिंह ने संवारा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। शाह ने कहा कि 2025 में नवा छत्तीसगढ़ बनाना है तो रमन सिंह की सरकार 2018 में बनवानी होगी और 2019 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी होगी। रमन सिंह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी मिलकर बेहतर काम करेंगे। इधर अमित शाह ने मुख्यमंत्री रमन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास अगर लगातार हो रहा है तो इसके लिए यहाँ की भाजपा सरकार की सोच है। छत्तीसगढ़ के लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, आवास योजना का लाभ मिल रहा है, तो ये रमन की देन है। रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का लगातार विकास हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। किसानों को धान का बोनस दिए जाने को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रमन सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पहले जब मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली में जाकर सहायता मांगते थे तो उन्हें किस तरह की मुश्किलें होती है वो जानते हैं, लेकिन आज केंद्र से तुरंत सहायता मिल रहा है। देश टीवी के लिए निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के विकास पुरुष कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक स्थापित किया जाना है। इसके लिए प्रदेश भर से मिट्टी का संकलन किया जाएगा। इस मिट्टी संकलन की शुरुआत करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने डोंगरगढ़ की मिट्टी दी है। शाह ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए मां बम्लेश्वरी की पावन धरा से मिट्टी देते हुए कहा कि अटल जी ने इस राज्य को एक बेहतर और सर्व सुविधा युक्त राज्य बनाने का सपना देखा, जिसे भाजपा की सरकार लगातार साकार करने में जुटी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रायपुर पहुंचकर प्रकाश मुनि साहिब से मुलाकात की। ये मुलाकात संपर्क फॉर समर्थन के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है। उन्होंने करीब 15 मिनट तक उनसे चर्चा की, साथ ही आशीर्वाद भी लिया। शाह एयरपोर्ट से सीधे कटोरा तालाब स्थित प्रकाश मुनि साहिब के घर पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा और अन्य नेता भी मौजूद थे। प्रकाश मुनि से अमित शाह ने भाजपा की जीत का आशीर्वाद लिया और उनसे कुछ चर्चाएं भी की। प्रकाश मुनि साहिब वर्तमान में दामाखेड़ा के कबीरपंथी वंश गद्दी के 15वें वंशाचार्य हैं। मुलाकात के बाद प्रकाश मुनि ने कहा कि उन्होंने भाजपा को विधानसभा चुनाव के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। वो कबीरपंथी हैं और सबकी भलाई चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, संपर्क फॉर समर्थन जो उनकी योजना चल रही है, अभियान चल रहा है, इसके तहत आज मुझसे मुलाकात के लिए पधारे। मैंने उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने बुधवार को विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आयकर दाताओं के सामने आ रही दिक्कतों को दूर करने करदाता विस्तार अभियान की शुरुआत करने का निर्णय भी लिया। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पी के दास छत्तीसगढ़ दौरे पर है। दास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आयुक्त है। बुधवार को आयुक्त ने अपने दौरे के दौरान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने प्रदेश में आय के स्रोत और रिकवरी पर चर्चा की। आपको बता दें कि आयुक्त के दौरे के पहले स्थानीय अधिकारियों द्वारा चेंबर ऑफ कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य करदाताओं से आयकर रिटर्न पर चर्चा की गई थी।
जिसमें उन्हें आयकर पटाने में देरी और कठिनाई के संबंध में जानकारी ली थी, जिसके तहत कठिनाइयों को सुचारू करने सुझाव भी दिया गया था। बुधवार को आयकर आयुक्त के सामने इन असुविधाओं को अधिकारियों द्वारा रखा गया ताकि इसमें अधिकारी स्तर पर समाधान मिल सके। आयुक्त ने इन सभी विषयों पर चर्चा की, साथ ही असुविधाओं को दूर करने की भी बात कही। समीक्षा बैठक के दौरान इस वर्ष 309% अधिक टारगेट मिलने पर खुशी भी जताई। आयुक्त ने बताया कि इस साल 31 अगस्त तक 8,94,894 करोड़ का रिटर्न भी जमा हुआ। आयकर जन मित्रता अभियान के जरिए नुक्कड़ नाटक, विज्ञापन और मैसेज के माध्यम से आयकर दाताओं को सूचना दिया गया, जिसका रुझान भी काफी अच्छा रहा। इसकी सफलता को देखते हुए अब आयकर विभाग ने करदाता विस्तार अभियान की शुरुआत की है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसमें करदाताओं को और ज्यादा जागरूक किया जा सकेगा। मैं सभी करदाता को बधाई देना चाहता हूं कि लास्ट ईयर हमारे टारगेट से ज्यादा अचीवमेंट हुआ कर संग्रह में। छत्तीसगढ़ से 298 करोड़ कलेक्ट कर चुके हैं, जो कि लास्ट ईयर तुलना में 309% ज़्यादा है। ग्रोथ इज 309% मोर देन लास्ट ईयर। 8,94,894, जो कि लगभग 21,000 मोर देन द रिटर्न्स फाइल्ड एंटायर लास्ट ईयर, ड्यूरिंग एंटायर लास्ट ईयर, जिससे 8,94,000 लगभग करीब 1,80,000 और रिटर्न मिलने का उम्मीद है। और मेरा आशा ही है वो हो जाएगा, 1,94,000 उस सितंबर इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा। जो आयकर जनमित्रता अभियान, जिसमें कोई भी करदाता कोई भी ऑफिसर को बिना अनुमति से, बिना अपॉइंटमेंट से बुधवार 11 बजे से 1 बजे तक मिल सकते हैं और अपना ग्रीवांश अवगत करा सकते हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इनकम टैक्स ऑफिस के लिए जगह आवंटन कर दिए हैं, जिसमें हमारा ऑफिस होगा। अभी हमारा ऑफिस 11 डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, तो ये गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट हुआ है। अभी प्रोसेसिंग शुरू करके लैंड और बिल्डिंग वगैरह शुरू करेंगे, जहां ITU ऑफिस होगा। सो करदाता को जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, इसीलिए हम लोग सतर्क हैं। चुनावी समर में ज्यादा खर्च पर नकेल कसने आयकर विभाग ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर काम करेगा। साथ ही जिस जिले में ज्यादा धन खर्चा होता है और जो प्रत्याशी ज्यादा खर्च करते हैं, उन पर आयकर की नजर होगी। प्रदेश के 11 जिलों में आयकर ऑफिस के लिए राज्य सरकार ने स्थान दिया है, जिसमें विभाग के साथ आयकर दाताओं को और ज्यादा सुविधा मिलेगी। देश TV के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट।